अन्याय और अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की नैतिकता के पीछे मुख्य कारण समाज में दिन प्रतिदिन नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है। सरकार ने 2012 में बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम बनाया, इसके बावजूद बच्चों के यौन शोषण के रूप में कम होते नहीं दिख रहे, इसके विपरीत यह लगातार बढ़ रहा है। नए बाल यौन अधिनियम के तहत दोषियों को अदालत में दोषी ठहराए जाने पर कम से कम 3 साल और 10 साल तक की कड़ी सजा दी जा सकती है। इसके अलावा यदि अपराध की प्रकृति बहुत गंभीर है तो दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। इस अधिनियम में एक प्रावधान भी किया गया है। इसी बीच ऐसे मामले भी तुरंत अदालत में जा रहे हैं और ऐसे मामलों में हर महीने सजा का फैसला सुनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की दामिनी टीम की ओर से जिले के स्कूल को बाल यौन शोषण व बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए मार्गदर्शन किया जा रहा है। समाज को भी पहल करनी चाहिए। ऐसे अपराधों को जन्म देने वाली प्रवृत्ति को बदलने के लिए समाज को पहल करने की जरूरत है। सख्त कानून से इसमें मदद मिल सकती है। यदि आप दूसरों के बच्चों के प्रति अपने बच्चों जैसे स्नेह और दया की भावना रखते हैं तो ऐसे अपराध अपने आप ही कम हो जाएंगे। समाज में नैतिकता दिनों दिन लुप्त होते जा रही है। यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी इस तरह के शोषण का शिकार होते जा रहे हैं। ऐसी घटनाओं के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन अभिभावकों को अब इसे रोकने के लिए जागरूक होने की जरूरत महसूस हो रही है। खासकर घर के करीबी लोगों द्वारा नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।